नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। बीजेपी ने 15 नामों की ओर घोषणा की है और इन नामों में एक नाम ऐसा शुमार है जो प्रदेश के करीब 25 लाख बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करता है, वो है उपेन यादव। उपेन मेरे साथ मौजूद है। उपेन, आखिरकार राजनीतिक करियर की शुरुआत यहाँ से होती है। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रदेश के 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों को माध्यम दिया है। अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश गुजरात तक जाना पड़ता था। आज पार्टी के माध्यम से मैं यूं की आवाज़ बुलंद कर पाऊंगा और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेस पेपर लीक माफिया पार्टी का चुनाव है। युवाओं को सपनों को बेचा गया है। ये संवैधानिक संस्थाओं में अपने लोगों को शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। आप सदस्य बना रहे हो, उस परिवार से टिकट भी दे रहे हो। बाबूलाल कटारा ने जो पेपर बेचा तो ये फिर ये काम करेंगे। तो युवाओं को सपनों को नहीं बेचे, युवाओं को न्याय मिले, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, ये प्राथमिकता है, पार्टी भी ये चाहती है। इस बार काफी युवाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, आपका भी एक नाम आगे। हालांकि पिछले 25-30 दिनों से सस्पेंस था कि आप कौन सी पार्टी में जाएंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने संयम रखा कि जो होगा अच्छा होगा, अंत भला तो सब भला। अब कैसे देखते हैं बीजेपी ज्वाइन करके, बीजेपी से टिकट मिले? देखो, 2009 से 2011 में मैंने भीलवाड़ा में एबीपी में था, युवा मोर्चा में 14 से 15 में यहाँ था और अच्छा भी लग रहा है मुझे। अब जब प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके लिए मैं सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, जब पूरी पार्टी साथ खड़ी रहेगी, जब पूरी पार्टी युवाओं के सपनों के लिए जो कांग्रेस पार्टी बेचने का काम करती है उसे बचाने में अहम योगदान निभाएगी, तो मुझे अच्छा लगा कि अब युवाओं के लिए एक अच्छा माध्यम मिला है और युवाओं को न्याय मिलेगा। अगर 2018 से 2023 की बात की जाए तो एकमात्र युवा बेरोजगार हो जिसने मुख्यमंत्री से सबसे ज़्यादा मुलाकात की, सबसे ज़्यादा काम करवाए, इसके बाद क्या आपको लगता था कि कांग्रेस आप पर दाव खेल सकती है, लेकिन आपने बीजेपी का दामन? नहीं, मेरे पास तो वहाँ से भी मुझे कहा गया था, लेकिन जिसमें मैं पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ाऊँ, आरपीएससी के बाहर मुझे पीटा गया, झूठे षडयंत्र में जेल में डाला गया, और दूसरी बात, इसके बड़े बड़े नेता, इनके मंत्री पेपर लीक में शामिल है, तो फिर मैं उस पार्टी में कैसे जा सकता हूँ, कैसे उनके साथ जा सकता हूँ? ये तो मुझे नहीं लगता कि उचित होता, युवाओं के साथ धोखा होता है। मैंने उन पार्टी को चुना जिसका जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी भी पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, तो पेपर लीक के खिलाफ ही तो बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पिन, एक सवाल, आप सिर्फ शाहपुरा से नहीं, क्योंकि पूरे राजस्थान में युवा बेरोजगार हैं, आपको बीजेपी ने इस रूप से देखा है कि पूरे राजस्थान के युवाओं को साधने का, ऐसे में युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? आज युवा बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैं तो फोन ही नहीं उठा पा रहा। ये चुनाव युवाओं का है, उनका भविष्य का चुनाव है, ये उपेन यादव थोड़ी चुनाव लड़ रहा है, ये युवा चुनाव लड़ रहा है। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास क्या है, मैंने तो संघर्ष किया है, ईमानदारी है, सत्यता है, उनके लिए संघर्ष किया हुआ है, लेकिन जीत युवाओं की होगी। आपने देखा, टिकट मिला तो एक जीत ही है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी मिसाल पेश की है कि एक युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया है, और आज तक किसी ने तो नहीं दिया ना, एक किसान के बेटा को आगे लेके आए। और सबसे बड़ी बात, जो पेपर लिखा जो दंश है उसे युवा परेशान है। शाहपुरा सीट को किस रूप में देख जीत रहे ना, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना रही है, अब डर है पेपर लीक माफियों को, अब ईडी से डर रहे हैं, भाई सीबीआई जांच होगी तो क्या होगा? जब मैंने जब सीबीआई की जब मांग की तब लाठीचार्ज कर दिया, जेल में डाल दिया, कब तक युवाओं को सपनों को बेचने का काम करेंगे? अंत तो होगा पेपर लीक माफियों का। शाहपुरा की सीट को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि उधर आलोक बेनीवाल हैं, कांग्रेस के मनीष यादव हैं, इसलिए अपने सामने इन दो चुनौतियों को किस रूप में देखें? उपेन यादव के साथ हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का आशीर्वाद है। उपेन यादव ने पूरे देश में ऐसा युवा नहीं होगा जो 11 साल 9 महीने तक संघर्ष किया होगा, सड़कों में रहा हूं, जेल गया हूं, किस मुंह से वो वोट मांगने आ जाएंगे? जब युवाओं को सपनों को बेचा जा रहा था वो घर पे पकवान खा रहे थे, या हम सड़कों पर लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, युवाओं को सपनों को बचाने के लिए काम किया, वो पेपर लीक करने वाली पार्टी से है, वो जीत नहीं पाएंगे, जनता साथ नहीं, जनता हमारे साथ। बिल्कुल, हमारे साथ ये उपेन यादव थे, क्योंकि युवा बेरोजगारों को साधने का बीजेपी ने प्रयास किया है। उपेन यादव को टिकट देकर ये कहा है कि युवाओं, जो प्रदेश के करीब 25 से 30 लाख युवा हैं, उनको बीजेपी ने एक साथ साधने का प्रयास किया है। उपेन यादव ने कहा है कि ना सिर्फ शाहपुरा, राजस्थान में इस बार बीजेपी की जनता जो सरकार है वह आएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सपने हैं वह यहाँ पर पूरे किए जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ ललित वर्मा, द नगरी न्यूज, जयपुर।